गोंदिया नगर परिषद के युवा पार्षद लोकेश यादव की शहर शिवसेना अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अनुशंसा पर की गई, जिन्हें सांसद सुभाष देसाई द्वारा मुंबई में नियुक्ति पत्र दिया गया। गौरतलब है कि गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत शिवसेना को पक्ष को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु तथा जिले में आगामी सभी स्थानीय निकायों के चुनाव तथा नगर परिषद के चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की अनुशंसा पर गोंदिया नगर परिषद के युवा जुजारू पार्षद लोकेश कल्लू यादव के जन सहयोग के कार्यों को देखते हुए शहर शिवसेना अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें नियुक्ति का पत्र शिवसेना मुख्यालय मुंबई में शिवसेना सांसद सुभाष देसाई, गजानन कीर्तिकर, नीलेश धुमाल, श्री वाघ, मुकेश शिवहरे, गोंदिया शिवसेना जिला प्रमुख पंकज यादव, सुरेंद्र नायडू की प्रमुख उपस्थिति में सौंपकर पक्ष को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पार्षद लोकेश यादव की शिवसेना शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के पश्चात मुंबई से शहर आगमन पर जिले के शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा शुभकामना देकर अभिनंदन किया गया। मां भवानी के चरणों में वंदन करता हूं, जानकी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके चरणों में वंदन करता हूं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इनके चरणों में वंदन करता हूं, माननीय श्री मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, युवा नेतृत्व माननीय श्री आदित्य साहब ठाकरे, माननीय कीर्तिकर साहब, माननीय श्री देसाई साहब, माननीय श्री नीले जी धुमाल साहब, माननीय श्री मुकेश जी सूर्य साहब, माननीय श्री पंकज बाब यादव साहब, इनके आशीर्वाद से मुझे शिवसेना शहर प्रमुख की नियुक्ति की गई। मैं आपके इस आशीर्वाद को सदैव अपने साथ में रखूंगा और कहीं ना कहीं शहर के लिए एक अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। मैं समस्त नागरिकों से एक ही आह्वान करता हूं कि हमको सब मिलकर हर हर भगवा घर घर भगवा हमको फैलाना है, और मैं समस्त शिवसेना कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद चाहूंगा जिनको इनके आशीर्वाद से, प्यार से, मोहब्बत से मुझे शहर प्रमुख की नियुक्ति उनके आशीर्वाद से मिली है। मैं सदैव आपके साथ में रहकर मिलजुल कर हम शिवसेना को कहना कि शहर के अंदर में, जिले के अंदर में अच्छे मुकाम पर लेके जाएंगे। मैं सभी का साथ और विश्वास चाहता हूं। आप इस प्यार और मोहब्बत के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सादर जय महाराष्ट्र। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।